हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विधास लाइफस्टाइल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने ड्रेसिंग टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के द्वारा। ये ट्रांसपेरेंट कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर बहुत हेल्पफुल है आपको कॉस्मेटिक्स अरेंज करने के लिए, और इसलिए मैं इसे अपने ड्रेसिंग टेबल के सेंटर पर रखी हूँ। इसकी खास बात यह है कि इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें आप लिपस्टिक्स रख सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं लिपस्टिक ज़्यादा यूज करती हूँ, इसलिए मैं इसे इसमें अरेंज करके रखी हूँ अपने टेबल के टॉप पे। जस्ट उसके बगल में मैं डेली बेसिस पे मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, ड्यू स्टिक, इधर लाइनर रखी हुई हूँ। चूंकि मेरे ड्रॉअर की गहराई कम है तो फाउंडेशन का ये स्पेस मुझे बहुत परफेक्ट लगा, तो मैं फाउंडेशन यहाँ पे प्लेस करके रखी हूँ। जस्ट इसके बगल में मैं एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट ये बॉक्स जिसमें मैं ईयरबड्स रखी हुई हूँ। ऑर्गेनाइजर के जस्ट बगल में मैं दूसरा ऑर्गेनाइजर रखी हूँ जिसमें मैं डेली का परफ्यूम, पाउडर, सनस्क्रीन, ऑयल प्लेस की हुई हूँ। और इसके जस्ट बगल में मैं एक लिड का बॉक्स रखी हुई हूँ जिसमें कॉटन डाल के रखी हूँ। इस टाइप का ऑर्गेनाइजर आपको कोई भी ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगा। वैसे मैं इसे मिनीसो से ली हुई हूँ। ड्रेसिंग टेबल में 6 ड्रॉर्स है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल कैसे ऑर्गेनाइज की हूँ। ड्रॉर गंदे ना हो इसके लिए मैंने चार्ट पेपर यूज किया है। आप चाहें तो डाइनिंग टेबल के मैट्स यूज कर सकते हैं या ड्रॉर लाइनिंग यूज कर सकते हैं। ये मेरे ड्रेसिंग टेबल का फर्स्ट ड्रॉर है। इसे मैं ऑर्गेनाइज की हूँ एक सेक्शन बॉक्स से जिसमें मैं ये बॉबी पिंस, टिक टैक पिंस, रबर बैंड्स, क्लचर्स, काजल, नेल कटर। इस ऑर्गेनाइजर में मैं कॉम रखी हूँ। ये ऑर्गेनाइजर और ये दोनों मैं घर में खुद बनाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। सिंपल चूड़ी बॉक्स लेकर के आप उस पर मनचाहा पेपर रैप कर लो और उस पर आप अपना आइटम प्लेस करो। एक पे तो मैं कॉम प्लेस की हूँ, दूसरे पे मैं कॉम्पैक्ट, हाईलाइटर, फेस पाउडर और एक छोटा सा मिरर रखी हूँ। और इसके जस्ट बराबर में मैं दो बास्केट से डिवाइड की हूँ। एक बास्केट पे मैं आई शेडो पैलेट, ब्लशर, कंसीलर, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम सारा कुछ प्लेस की हूँ। और जस्ट ओपोजिट वाले बास्केट में मैं सारा नेल पेंट रखी हूँ जिससे कि मुझे जब जो चाहिए होता है मैं तुरंत ग्रैब कर सकती हूँ। नेक्स्ट ड्रॉअर में मैं दो बास्केट रखी हूँ। एक में मैं अपनी डॉटर का सारा हेयर बैंड्स रखी हूँ और दूसरे में मैं बनाना पिंस और सारा क्लचर्स रखी हूँ। जस्ट उसके बराबर में मैं डेली यूज का बिंदी रखती हूँ। इधर एक पाउच में मैं मेकअप ब्रश रखती हूँ क्योंकि ये गंदा ना हो। और इधर ये ड्रेस एक्सेसरीज है मेरा। थर्ड ड्रॉअर में मैं एक बास्केट में मैं अपना स्ट्रेटनर, कर्लर और हेयर ड्रायर रखी हूँ। और इधर सारा रिस्ट वॉच रखी हूँ। टेबल के फोर्थ ड्रॉअर को मैं इस तरह से बनाई हूँ। ये मैं अपने कारपेंटर से बोल करके ऐसा सारा सेक्शंस बनवाई हूँ रॉड का, ताकि मैं अपने सारे कलरफुल चूड़ीज को अलग से प्लेस कर सकूं और इससे सारा मेरा चूड़ी सेग्रीगेट रहता है। बैंगल होल्डिंग रॉड मैं फिफ्थ ड्रॉअर में भी बनवाई हूँ जिसमें मैं सारा बैंगल्स प्लेस की हूँ। फर्स्ट ड्रॉअर में तो मैं सारा हैंड क्राफ्टेड बैंगल्स लगाई हूँ और सेकेंड और थर्ड में मैं सारा पार्टी वेयर बैंगल्स लगाई हूँ। इंडियन लेडी, मुझे बैंगल्स और चूड़ियों का बड़ा शौक है। और ये लास्ट ड्रॉअर में मैं न्यू बैंगल्स रखी हूँ जैसे कि ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विधास लाइफस्टाइल।